हुई है। 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति किया है, चतुर्दिक विकास हुआ है, सुशासन स्थापित हुआ है, जंगल राज का समापन हुआ है, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, विकास से युक्त उत्तर प्रदेश बना है और पूरे भारत के अंदर सभी स्कीमों में जो 44 स्कीमें हैं उसमें सब में उत्तर प्रदेश नंबर एक के स्थान पर है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने क्रांति किया है और मैं समझता हूं कि 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण विकास की गति को बढ़ाया है और विशेष करके जो नौजवानों को रोज़गार प्राप्त हुआ है, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, 35 लाख नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी प्राप्त हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, अंधेरे से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिली है, अब पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है और पीने के लिए पानी के जो जल जीवन मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है उस पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है, 42 लाख लोगों को सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिले हैं, 2 करोड़ 61 लाख शौचालय उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन में बनाया गया है, 1 करोड़ 67 लाख लोगों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिला है, 1 करोड़ 39 लाख लोगों को विद्युत का कनेक्शन मुफ्त में परिवारों को मिला है और जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं किसान सम्मान निधि के कारण से 2 करोड़ 53 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि प्राप्त हुई है और 86 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है जिसमें 36,000 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और इसी तरीके से 1,44,000 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का भुगतान किया गया है और अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है उसमें 15 करोड़ लोगों को केवल उत्तर प्रदेश में राशन का वितरण किया जा रहा है, यानी हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया, ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने किया और दिन प्रतिदिन अभी 9 करोड़ लोगों का टीकाकरण उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है, तेजी के साथ इसमें भी काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा के कारण से सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसी का परिणाम है कि 2014 में जनता ने मोहर लगाया, 2017 में मोहर लगाया, 2019 के चुनाव में जनता ने मोहर लगाई, अपना समर्थन दिया है, उपचुनाव में दिया, पंचायत चुनाव में दिया और 2022 के चुनाव में भी हम लोग 350 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। भैया एक है कल लेना पड़े सर, एक आपके कार्यकर्ता आप लोग सभी कार्यकर्ता मित्रों से निवेदन है कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक मेजा नीलम तरवरिया जी, विधायक जी रवि पटेल साहब, जिलाध्यक्ष गंगा पाल और उनके मूल मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो बदलाव दिख रहा है, जो बढ़ता हुआ और बदलता जनार्दन के आशीर्वाद से ही इतना अच्छा काम होता रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के प्रति में आभार व्यक्त करता हूँ, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा अवैध कब्जे किए थे उनको सबको कब्जा मुक्त कराया गया है और तेजी के साथ और बड़े बड़े लोग जिन्होंने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारत को सब लोगों को उनके सही स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था